Our topic for today is seed germination. It's time to work. I know. Good morning, students. I am Ankush Gurukul from Gurukul Avashi Bal Vidyalaya. Today we learned science. आज हम सभी साइंस पढ़ने जा रहे हैं, खास करके यह जो टॉपिक है वो साइंस फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका मैं आज फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मोर अबाउट प्लांट्स। पौधों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको शायद नहीं है, इसको आप देखकर जरूर जान सकेंगे पौधों के बारे में ये इंटरेस्टिंग जानकारी। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। यहाँ का जो हम लोग का जो बुक्स है, जो गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय है, वो आपको ये बुक्स प्रोवाइड कराना है ना, जिसका नाम है एसेंशियल साइंस। इसी बुक्स को हम लोग फॉलो करके इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, बुक्स आपका यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यही बुक्स आपका गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय फॉलो करेगा। अब जहाँ तक बात रह गई, जो ऐसे बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं जो कि आपके गुरुकुल के नहीं है, गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के नहीं है, तो वैसे बच्चों को भी मैं बता दूँ कि यहाँ मैं कॉन्टेंट डिस्प्ले करा रहा हूँ, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस कंटेंट को ध्यान से देख लीजिए। इस कंटेंट का हम लोग फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोर अबाउट प्लांट्स, ये जो भी बुक सीबीएसई पैटर्न पे लिखी गई है उसमें जरूर ही दिया होगा, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का क्यों ना हो, उसमें जरूर यह बात दिए होंगे मोर अबाउट प्लांट्स। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां ध्यान देते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक मोर अबाउट प्लांट्स। मोर अबाउट प्लांट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग साइंस के बारे में कुछ जान लें। साइंस हमें क्या सिखाता है, साइंस हमें क्या बताता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि साइंस हमें क्या बताता है। ठीक है, अब हम यहां ध्यान देंगे साइंस के बारे में। कहते हैं सबसे पहला आपको मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट इज साइंस, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप साइंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको साइंस पढ़ना काफी मुश्किल है, तब तक आप साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अतः है तो आपको ये क्वेश्चन हमने दिया है व्हाट इज साइंस, आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे, इसका आंसर व्हाट इज साइंस, या तो होमवर्क है और आप अगर हमसे पढ़े हैं फोर्थ क्लास में साइंस, तो आपको जरूर यह आंसर आता होगा, आप उनको कमेंट में लिखकर भेजिएगा, या फिर आपको काफी परेशानी होती है तो हमने इसी चैनल पे क्लास 8 के लिए वीडियो अपलोड किया है, आप क्लास 8 का वो वीडियो देखिए, उसमें फर्स्ट में आपको अडी साइंस के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको यह जानना काफी जरूरी है और ये होमवर्क भी आपके लिए जरूरी है, होमवर्क से ही हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें साइंस के बारे में और भी जानकारियां, साइंस हमें क्या देता है, है ना, बताते हैं। स्टडीइंग साइंस इन्वॉल्व्स क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस डेवलप्स आवर सेंस स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। यह साइंस जो होता है यह हमारे सेंस को, स्किल, सोचने के क्षमता को बढ़ाता है, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसके ऊपर जो सोचने का क्षमता, हमारा स्किल, उसमें हम कैसे उसको समझ रहे हैं, ये सारी बातों को हमारा साइंस बताता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोर अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में। ऐसे भी आप लोग अभी से पहले प्लांट्स के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को जानते होंगे, पढ़ते होंगे, समझे होंगे, यानी आपने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन भी किया होगा साइंस को लेकर, तो हम लोग इसके बारे में ध्यान देते हैं। चलिए, कहता है वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, हाउएवर फॉर लाइफ टू गो ऑन all living things must produce
mode of their kind. That is, they must reproduce. Thus, reproduction becomes an important process for the community of the life on the earth. कहते हैं इस पर ध्यान देंगे कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे लिविंग थिंग्स पृथ्वी पे रहते हैं और आप सभी देखते होंगे जैसे पेड़ पौधे जानवर ह्यूमंस मनुष्य सभी रहते हैं पृथ्वी पे। तो आप जरा इस बात को सोचते हुएगा कि इनका रहना कैसे संभव है। तो इनका रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस से संभव होता है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसका क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ लिखा भी है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन। प्रजनन, प्रजनन के ही कारण हम लोगों का यहाँ सर्वाइव करना संभव हो पा रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमको जो यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ना है उसको हम पहले बता दें आपको। रिप्रोडक्शन के बारे में लिख दिया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। कहता है कि प्लांट्स और एनिमल यानी कि जानवर और पौधे दोनों अपने ही जैसे जैसा प्लांट है वैसे या फिर जैसा एनिमल वैसे अपने ही जैसे दूसरे को जो प्रोड्यूस करते हैं जन्म देते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो आज का क्लास है यह मोर अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारियां लेने वाले हैं। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन प्लांट्स पढ़ेंगे यानी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको पढ़ेंगे और ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है लेकिन यह मैं क्लास 8 में पढ़ाऊंगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यानी कि मनुष्यों में जो रिप्रोडक्शन होता है यह क्लास 8 में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। सबसे पहले रिप्रोडक्शन प्लांट का जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज यानी प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है। जैसा कि फ्रॉम सीड्स यानी कि सीड से सबसे पहले रिप्रोडक्शन का जो जरिया है प्लांट्स का वो सीड है और सीड का अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले यानी हमको यह पता चलना चाहिए कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा जरिया सीड है यानी सीड जो होता है वो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा जरिया है। तो इसके बारे में जरूर हमको थोड़ी बात जाननी चाहिए। थोड़ी नहीं पूरी बात जानेंगे, पूरा सेट डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक इसको देखिए और नोट करते चलेंगे। जब मैं स्लाइड मतलब पूरा बोर्ड खत्म कर लूंगा तो फिर आपको मैं समय दूंगा, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं हम लोग। आप ध्यान रखिएगा अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ी परेशानी हो रही होगी तो एक इंटरनेट सेटिंग को थोड़ा सा किया जाता है जिससे कि आपका नेटवर्क कम होने के कारण आप आसानी से देख सकते हैं तो आप उसका सेटिंग कर लेंगे। दूसरी बात है आवाज सुनने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो यू कैन यूज ईयरफोन, आप ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आवाज आपको काफी अच्छी सुनाई देगी और कंसेंट्रेशन भी बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो पार्ट होता है सीड का वो होता है सीड कोट। सीड कोट, सीड कोट के बारे में आपको जानना जरूरी है। द सीड हैव ए हार्ड कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। कहता है कि जो सीड जो बीज होता है उसका एक कवर होता है जो कि काफी सख्त होता है, हार्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, है ना। यह जो है सो सीड को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है डैमेज होने से, मतलब खराब होने से, डैमेज होने से उसकी रक्षा करता है। इसी पर मैं बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आप जरूर अपने नोट्स में इस हेडिंग को बनाने के बाद आप बना लेंगे। यहां मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड यहां दिखा रहा हूं, यहां डिस्प्ले हो रहा है। यह स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है इसको आप अपने नोट्स में बना लेंगे, उसके बाद से इसको नोट करना शुरू करेंगे सीड कोट के बारे में। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। अगला होता है कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स, वी विल सी सीड लीव्स। हम लोग सी लीव्स, सीड लीव्स को देखते हैं। जैसे अगर आप आम के मौसम में, अभी जस्ट आने वाला है, आप आम खाकर जहां पर फेंक देते हैं वहां आप देखते हुए कि कुछ दिनों के बाद से उसमें एक छोटा लीव्स टाइप का निकलने लगता है। उसके जो बीज से आम का जो आठी होता है उससे एक पत्ता टाइप का निकलने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सीड लीव्स कहते हैं। वही सीड लीव्स है, वी विल सी सीड लीव्स।
द सीडलीज इनसाइड ए सीड, यह जो होता है सीडलीज, ये सीड के इनसाइड होता है, सीड के अंदर होता है। अभी जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें आप देख सकते हैं सीडलीज कहां है। तो ये जो है सीडलीज जहां अंदर होता है और जहां जिस जगह पे होता है उसे हम कॉटिलीडंस कहते हैं। ये कॉटिलीडंस जो है सो दो तरह से फूड सप्लाई करता है बेबी प्लांट में, है ना। तो ये कहीं हमने लिखा है दिस कॉटिलीडंस कंटेन ऑल द फूड सप्लाई फॉर द बेबी प्लांट। ये कॉटिलीडंस जो है सो फूड सप्लाई करता है बेबी प्लांट में। सीड विद टू कॉटिलीडंस आर कॉल्ड डाइकॉटिलीडंस एंड और डाइकोड। इसमें जो होता है यह दो कॉटिलीडंस इसमें बटा होता है, एक डाइकॉटिलीडंस कहते हैं और मतलब उसी को डाइकोट या डाइकॉटिलीडंस कहते हैं। यानी दो होता है, एक होता है डाइकॉटिलीडंस या डाइकोट और दूसरा जो मैंने यहां लिख दिया एक होता है मोनोकॉट सीड्स। दोनों दो मतलब दो टाइप्स का यहाँ कॉटिलीडंस मिलता है। तो डाइकॉटिलीडंस जो होता है वो हम बता दें इसमें दो कॉटिलीडंस होते हैं, डाई मतलब टू और कॉटिलीडंस मतलब ये जिसके अंदर लीव्स रहते हैं। तो डाई लगने से ही हमको पता चलता है कि टू हो गया। अगला आता है हमारा मोनोकॉट सीड्स, यानी कि यह है एक कॉट सीड हैज ओनली वन कॉटिलीडंस। मोनो मींस वन, ध्यान रखेंगे आगे जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड काफी मिलेगा। डाई मतलब टू होता है साइंस के भाषा में और मोनो मतलब वन होता है और पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ेंगे आगे यानी 12th स्टैंडर्ड तक जब जाएंगे तो उसमें आपको मोनोमर पॉलीमर डाइमर ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे मोनो का मतलब वन होता है, इसी तरह से इसका नाम रखा गया मोनोकॉट सीड। एक कॉट सीड हैज ओनली वन, देखेंगे यहां वन आ रहा है ना, वन कॉटिलीडंस एंड इज कॉल्ड मोनोकॉटिलीडंस और मोनोकॉट सीड्स, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक टर्म आता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ए बेबी प्लांट, इट इज कॉल्ड द इम्ब्रियो। यानी कि जो बेबी प्लांट जिसके अंदर होता है वही इम्ब्रियो कहलाता है। इम्ब्रियो द इम्ब्रियो हैज ए सूट एंड रूट, द सूट लेटर ऑन ग्रोज आउट द ग्राउंड इनटू द स्टेम एंड द रूट्स स्प्रेड अंडर द ग्राउंड। कहता है कि जो इम्ब्रियो होता है यह दो भाग में होता है इसका, सूट और रूट। ध्यान देंगे जो सूट होता है वो ग्रोज आउट, यहां ध्यान से देखेंगे इस वाले लाइन को, ग्रोज आउट का मतलब है कि ग्रोज आउट का मतलब हुआ अगर ये मेरा सरफेस है तो ग्रोज आउट ऊपर की ओर जो निकलता है ये सूट कहलाता है, सूट, और जो नीचे की ओर बढ़ता है वो रूट कहलाता है। यानी जो इम्ब्रियो होता है दो पार्ट में होता है, अगर आपके पास है जो ऊपर की ओर बढ़े वो सूट और जो नीचे की ओर बढ़े वो रूट, ध्यान देंगे इसी बात में लिखा गया है। ग्रोज आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द स्टेम एंड द रूट्स स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, यानी कि यह नीचे की ओर बढ़ता है, क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, ध्यान से समझेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है। कहता है जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूसेस ए बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एयर एंड वार्म। कहता है कि हवा यानी कि वायु जल और वार्म यानी कि कुछ तापमान के मतलब वायुमंडल के रहते हुए जो सीड प्रोड्यूस करता है बेबी प्लांट में, सीड का बेबी प्लांट में बदलना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यानी सीड का बेबी प्लांट में बदलना जर्मिनेशन कहलाता है। इस बात को आपको लगभग समझ में आ गई होगी और इसके बाद मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से देखिए, उसको डिफाइन करना, ठीक है। और अभी इसको तो पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर वीडियो प्रेजेंटेशन देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन देखेंगे, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ सीड कोट के बारे में आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। contains a small baby plant called embryo, किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। Let's sow the seed. Wait, I have some conditions.
conditions required for the सीड को ग्रोथ करने के लिए कुछ कंडीशन की जरूरत होती है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ध्यान से देखिए। न्यूट्रिएंट रिच सोयल, सनलाइट, गुड क्वालिटी सीड। वंस दीज कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, द सीड बिगिंस टू ग्रो। The seed absorbs water from the soil. ध्यान से देखिए। And provides moisture to the embryo. The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. Embryo starts getting nourishment. टाइनी रूट के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है, ध्यान से देखिए। प्रोसेस ऑफ जनरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग, यानी एम्ब्रियो जो है सो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं जो आपको स्लाइड्स दे रहा हूँ बनाकर, इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा, गुरुकुल आपके साथ है, खूब पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. To start its own process of photosynthesis. Once the seed coat photosynthesis kar raha hai seed, dhyan se dekhte chaliye, sab kuch samajh mein aa raha hoga. The root starts growing downwards to anchor the seed. And to search for more food and nutrients from the soil. Meanwhile, हम आपको बता चुके हैं कि जो अर्थ के नीचे का पार्ट होता है वो रूट, और अर्थ से ऊपर का जो पार्ट होता है वो सूट, यानी जो ऊपर की ओर बढ़ता है वो सूट है और जो नीचे की ओर बढ़ता है वो रूट है, ध्यान से देखिए। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं प्रोसेस को रिकैप कर दे रहा हूँ बच्चों, अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए जो पढ़ रहे हैं, खूब पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, गुरु का नाम रोशन कीजिए, मेरे साथ बोलिए घर पे रुकेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नोट्स बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना नहीं भूलिएगा, धन्यवाद।